ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ଶୀତଦିନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ପୁଣି ଦିନକୁ ଥରେ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଦିନକୁ 3-4 ଥର ଖାଇବା ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀନଗର ଡାଞ୍ଚିଗ୍ରାମ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କିଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ହଙ୍ଗଲମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଶୀତଦିନରେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାରପାତ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁନି। पहले से ही ये तैयारी करके रखते हैं कि जब स्नोफॉल आएगा तो उनके लिए ऊपर खाना नहीं मिलता है सर, तो फिर हम यहाँ पे आते हर रोज सुबह सवेरे में भी जब हम खाना डालते हैं, फिर हम शाम को आते हैं, अगर इन्होंने खाया होगा तो हम दूसरी बार इनको डालते हैं सर। हमारे अफसर लोग भी तैयार रहते हैं इनके लिए, हम उनको बोलते हैं सर कि हमें खाना खत्म हो गया, वो दूसरी गाड़ियाँ भेजते हैं सर, हम उनके लिए तैयार रहते हैं सर। यहाँ साग डालते हैं, मूली डालते हैं, गाजर डालते हैं, बंद गोभी डालते हैं सर, ये सब्जियाँ डालते हैं हम सर। हाँ बादशाह बोलते हैं, और ये सॉल्ट डालते हैं सर, क्योंकि उनके लिए भी गर्मी होनी चाहिए, जैसे हमारे लिए गर्मी है उनको भी गर्मी लगनी चाहिए सर, क्योंकि ऊपर ज़्यादा बर्फ़ गिरता है। अभी हम देख रहे हैं कि ऊपर बहुत बर्फ़ है, फिर वो शाम को आते तो यहाँ पे वो सब्जियाँ खाते हैं सर। और हम तो मेहनत करते रहते हैं सर, आप कभी भी आइए, आप हमारे जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे अफसर लोग हैं, वो भी मेहनत करते हैं, वो भी आप देखिए, अभी आपने खुद देखा होगा, हमारे साहब भी आए थे, उन्होंने खुद बोला कि नहीं सब्जी डालनी है, आज बर्फ़ गिर रहा है इसलिए हम सब्जियां डालते हैं सर। सेप्टेम्बर रु सेमाने एपरी खाद्य जोगाई आसुछंती। विभिन्न प्रकार फल पनीपरिया जेमिति की कोबी गाजर आदि सेमाने गच्छ तले थोइ दियंती एवं सरिजिबा परे पूणी सेमाने खाद्य सही जगह रे स्टोर कर दियंती। 3 महीने तो हाइबरनेशन होता है और स्नोफॉल भी होता है सर, इस टाइम हम इनके लिए बाछा डालते हैं सर, और ये इनके लिए नमक डालते हैं, नमक डालने और ये सब्जी डालते हैं, कैरेट्स डालते हैं और मूली डालते हैं, दो चार किस्म की सब्जी डालते हैं इनके लिए, क्योंकि अपर रीच में होते हैं सर ये, इसलिए ये अपर रीच में होते हैं क्योंकि बारिश बहुत होती है वहाँ पर, फिर ये नीचे नीचे आते हैं, इनके लिए बाछा भी डालते हैं, दिन में सुबह भी डालते हैं, शाम को भी डालते हैं, जब ज़्यादा बर्फ़ होता है, हाँ जब ज्यादा बर्फ होता है सर उस टाइम के लिए बाछा भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, एक एक दिन में या दो दिन के बाद नमक ही डालते हैं, उसके लिए मतलब नमक में मिनरल्स होता है, इसके लिए फायदा होता है, जैसे हमको भी फायदा होता है कुछ खाने के लिए, हम चल सकते हैं। ये सितंबर में हम पहले ये काटते हैं, हाँ फिर सूखी ये फिर हो जाते हैं, फिर रखते हैं एक जगह, फिर रखते हैं हम ये पेड़ पे, फिर हो जाते हैं, फिर विंटर रूम में हम ये सब डालते हैं। प्रोसेस जो है बेसिकली ऑन द साइंटिफिक लाइंस होता है, तो इसमें हम ड्यूरिंग पर्टिकुलरली स्नोफॉल हांगुल के फीड को जो है सप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं बाय एक्सटर्नल इंटरवेंशन, जिसमें हम फ्रेश वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं या फ्रूट्स का यूज़ करते हैं एट पर्टिकुलर डिजिग्नेटेड प्लेसेस। एक्चुअली अराउंड द ईयर जो है बेसिकली हमारे सर्वेज चलते रहते हैं फील्ड में, जिनसे हमें ये पता चलता है कि इस ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ विंटर वो खास जगहें या वो पर्टिकुलर डिजिग्नेटेड प्लेसेस कौन सी हैं जहाँ पे हांगुल विजिट करता है, तो वहाँ पे जो है हम बेसिकली जो है एक्सटर्नल इंटरवेंशन के थ्रू जो है फीड जो है स्कैटर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स, राइट। इस ज़मन में मैं आपको ये बता दूँ कि बेसिकली इन केस ऑफ अ वाइल्ड स्पीशी जो है इस इंटरवेंशन की यूजुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट क्योंकि आपको पता है कि हांगुल एक एंडेंजर्ड स्पीशी है, वी आर एक्स्ट्रा केयरफुल एंड वी वांट टू एंश्योर के जहां पे भी इस एक्सटर्नल इंटरवेंशन की जरूरत है वो एक्सटर्नल इंटरवेंशन जो है इन लाइन विद द साइंटिफिक रिकमेंडेशंस। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।